यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री नौणी के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित कर दिए गए हैं। आप इसमें एडमिशन अब ऑनलाइन ले सकते हो। तो दोस्तों, जो भी इच्छुक उम्मीदवार हैं उनके लिए आज मैं वीडियो में सब कुछ बताऊंगा कि क्या कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहेगी, क्या कुछ इसमें जो कोर्सेज रहते हैं वो ऑफर किए जाते हैं, सीट अलॉट कैसे की जाती है, लास्ट डेट क्या रहेगी और एडमिशन फी क्या कुछ रहेगी। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए है प्रोस्पेक्टस, जो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स रहते हैं उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा सब कुछ जानकारी। फिलहाल के जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स है, जो 12th के बाद आप जाते हो, उसके लिए जान लीजिए। दोस्तों, इंपॉर्टेंट डेट्स जान लेते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो लास्ट डेट जो इसकी रहेगी वो रहेगी आपकी 1 जून 2020। नॉर्मल सीट्स के लिए आप 1 जून 2020 तक अप्लाई कर सकते हो। जो सेल्फ फाइनेंसिंग सीट रहेगी उसके लिए आप 23 जून 2020 तक। अब दोस्तों, आपके मन में सवाल होगा कि सेल्फ फाइनेंसिंग सीट्स क्या है सर, तो मैं आपको बता दूं कि सेल्फ फाइनेंसिंग सीट्स में नॉर्थ जोन के जो रहते हैं, ठीक है, जो हिमाचल से अलग राज्य के हैं, ठीक है, नॉर्थ जोन आ गया आपका, ठीक है, और जम्मू कश्मीर के एरिया आ गया आपका, ठीक है, जो यूनियन टेरिटरीज रहती है आपकी, ठीक है, यूनियन टेरिटरीज में आपके दिल्ली आ गई या कोई कुछ भी रहता है आपका, चंडीगढ़ आ गया, ये यूनियन टेरिटरीज में आपकी रहती है, आप जानते ही हैं। तो दोस्तों, इसमें जो है ये सेल्फ फाइनेंसिंग सीट्स में रहता है और ये सेल्फ फाइनेंसिंग सीट्स के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। बाकी अगर हिमाचल तो आप एचपी कोटा में अप्लाई कर सकते हो, आईसीएआर के थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए भी सीट्स जो डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा वो मैं आगे बताऊंगा वीडियो में, ठीक है। दोस्तों, चले जान लेते हैं इसकी लास्ट डेट फॉर रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। अगर लास्ट डेट 7 जून दी गई है, ठीक है, 7 जून तक आप जो है तो अप्लाई कर सकते हो विद लास्ट डेट 1000 रुपीज, ठीक है। तो 1 जून तक जल्दी से अप्लाई कीजिए अगर आप जो है तो लेट फीस नहीं देना चाहते। एंट्रेंस टेस्ट की डेट क्या है वो जान लेना जरूरी है, 21 जून 2020, ठीक है। दोस्तों, 21 जून 2020 जो है वो एंट्रेंस टेस्ट की डेट है। एंट्रेंस टेस्ट 21 जून 2020 को होगा, नोटिफिकेशन जो आएगी रिजल्ट को वो 26 जून को आएगी। दोस्तों, इसमें डेट्स में चेंजेस हो सकते हैं बट प्रोस्पेक्टस के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। दोस्तों, तो इस बात को आप ध्यान में रखिए। वहीं जो आपका सबमिशन होगी, जो काउंसलिंग शेड्यूल होगा, काउंसलिंग परफॉर्मा होगा सर्टिफिकेट्स के साथ आपका, वो कब होगा दोस्तों, वो 4 जुलाई को होगा, ठीक है, 4 जुलाई 2020 को होगा, ठीक है। इसके लिए भी अलग से नोटिफिकेशन आएगी तो तब मैं आपको इस काउंसलिंग की पूरी फुल प्रोसेस बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल के लिए आप एडमिशन की प्रोसेस जान लीजिए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं हम इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में। इंपॉर्टेंट नोट्स क्या दिए गए, अगर हम बात करें एग्जामिनेशन सेंटर्स की, ठीक है, कहां पर एंट्रेंस टेस्ट होगा, तो ये आपके रहते हैं सोलन, हमीरपुर, सुंदरनगर, रामपुर एंड पालमपुर, ठीक है। जो भी पालमपुर चंबा के आगे, कांगड़ा के आगे या उसमें आगे जो भी आगे, वो पालमपुर में दे सकते हैं, सोलन के सोलन, हमीरपुर और मंडी के सुंदरनगर में, एंड जो शिमला के रहते हैं रामपुर में, और बाकी जो शिमला से आपके जो पड़ोसी जिले हैं वहां पर आप जाकर जो है सेंटर भरवा सकते हो। बाकी दोस्तों, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, एक बार आपने सेंटर भर करा दे तो करवा दिया, ठीक है। और इसमें क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, जो भी कैंडिडेट्स अभी 12th में एग्जामिनेशन अपियरिंग में है, ठीक है, रिजल्ट तो अभी आया नहीं तो अपियरिंग में है, वो जो है तो इस एग्जाम को दे सकते, ठीक है। दोस्तों, बाकी जो कुछ इसमें रहेगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन में वीडियो में आगे मैं बताता हूं आपको पूरी तरह से, ठीक है। दोस्तों, और देखिए फीस क्या अलॉट की गई है, ठीक है, नॉर्मल सीट्स के लिए जो फी रखी गई है वो 1500 रुपए आपकी जनरल कैटेगरी के लिए एंड 1000 रुपए आपकी एससी एसटी और फिजिकल हैंडीकैप्ड जो कैटेगरीज रहती है उसके लिए रखी गई है। और दोस्तों, जो आपके पास मैंने सेल्फ फाइनेंसिंग सीट्स बताया उसके लिए दोस्तों अलग से रखी गई है, वो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, फिलहाल के लिए हम एचपी कोटा के बात करेंगे, ठीक है। दोस्तों, अब जनरल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई, जनरल इन्फॉर्मेशन हम नहीं पढ़ेंगे, इसमें जो बैकग्राउंड दिया गया है कॉलेज का, जो यूनिवर्सिटी उसका, तो वो हम जो है पढ़ेंगे नहीं। बाकी दोस्तों, ये जान लीजिए आपका कि एकेडमिक प्रोग्राम्स क्या क्या हैं, क्योंकि वो जानना जरूरी है। इसमें बीएससी ऑनर्स में हॉर्टिकल्चर में आपका, ठीक है, बीएससी ऑनर्स में फॉरेस्ट्री का भी दिया गया है, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, एंड 4 एकेडमिक ईयर्स आपके, 4 साल का ये सारा कोर्स रहता है, 8 सेमेस्टर्स में रहते हैं, ठीक है। दोस्तों, और मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या कुछ रहता है, एनसीसी एंड एनएसएस कैंपस भी है, ठीक है, एजुकेशनल टूर्स भी आपको ये प्रोवाइड करवाते हैं, तो काफी अच्छी यूनिवर्सिटी है, आप इसमें एडमिशन ले सकते हो, काफी अच्छा करियर बन सकता है आपका हॉर्टिकल्चर और जो फॉरेस्ट्री का है, ठीक है। दोस्तों, वहीं चलो बात कर लेते हैं दोस्तों सीट्स अलॉटमेंट की, सीट्स अलॉट्स किस तरह की जाती है, सीट डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से की जाएगी। बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर की बात करते हैं एचपी कोटा की, ठीक है। दोस्तों, हम करेंगे एचपी कोटा की बात, बाकी सेल्फ फाइनेंसिंग सीट है वो भी थोड़ा बहुत मैं आपको बता दूंगा। एचपी कोटा की अगर बात करूं तो 42 सीट्स आपकी बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर में रहती है, ठीक है, 42 सीट्स, ठीक है। आईसीएआर के तहत जो आपका रहता है वो 8 सीट्स रहेंगी, आईसीआर के तहत जो इसमें अलग से सीट्स अलॉटमेंट रहती है दोस्तों वो भी आगे बताऊंगा मैं आपको। सेल्फ फाइनेंसिंग की बात करूं तो इसमें 4 सीट जो रहती है वो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए रहती है, ठीक है, और आपका जो 2 सीट्स रहती है वो जेएंडके यूनियन टेरिटरीज है उसके लिए रहती है, ठीक है। बाकी दोस्तों, आपका बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री में अगर आप करना चाहते हैं इसमें भी सेम सीट्स जो है रहती है, 42 सीट्स रहती है, एंड बाकी जो सेल्फ फाइनेंसिंग सीट सा रहता है यही सब कुछ रहता है, ठीक है। कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री हमीरपुर, ठीक है, हमीरपुर के लिए कितनी सीट्स रहती है इसमें अगर मैं बात करूं तो बीएससी हॉर्टिकल्चर में 30, बीएससी फॉरेस्ट्री में 30 और बीटेक बायोटेक्नोलॉजी में 25 सीट्स रहती हैं, ठीक है।
वही दोस्तों बहुत सारी यहाँ पर मंडी में भी एक ठीक है एक्सीलेंस फॉर हॉर्टिकल्चर रिसर्च एक्सटेंशन मंडी ठीक है थुनाग में ये है। इसके लिए 25-25 सीट्स रहती हैं दोनों कोर्सेज में ठीक है, और भी बहुत सारे यहाँ पर दिए हैं एडिशनल सीट्स दी गई हैं। बाकी दोस्तों अगर कोई क्वेरीज या क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और बाकी चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसकी सिलेक्शन प्रोसीजर किस तरह से होती है। दोस्तों अगर मैं सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करूँ तो आपको क्या कुछ करना पड़ेगा, इसके लिए आपको टेस्ट में क्वालिफाई करना पड़ेगा, मेरिट के हिसाब से आपका कट ऑफ निकलती है ठीक है। कट ऑफ जो है तो हर साल अलग अलग रह सकती है, वो डिपेंड करता है एंट्रेंस टेस्ट में किस तरह से जो है तो मेरिट बनती है उस पर, उस हिसाब से कट ऑफ जो रहती है। बट फिर भी मिनिमम मार्क्स को सेट किए गए होते हैं, वो मिनिमम मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको जो है एंट्रेंस टेस्ट में क्वालिफाई करना पड़ता है ठीक है दोस्तों। बाकी अगर मैं बात करूं मिनिमम क्वालिफिकेशन की तो वो आपकी 50% आपके 12th में होने चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी में रहने चाहिए, बाकी एससी एसटी के लिए 45% रहते हैं ठीक है। अब कट ऑफ लिस्ट जो है वो काउंसलिंग के साथ ही जो है तो वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाती है ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अभी इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट वो देख लेते हैं। बाकी देखिए यहाँ पर वेटेज दी गई है ठीक है मार्क्स की, कि आप अगर स्पोर्ट्स कोटे में हैं, गेम्स में है, कल्चर एक्स्ट्रा कोई आपकी सर्कुलर एक्टिविटीज हैं या कुछ भी है दोस्तों, तो उसके अकॉर्डिंग आपको एनसीसी एनएसएस के नंबर्स भी दिए जाते हैं, तो ये भी काफी अच्छा है ट्वेल्थ में अगर आपने ये सब कुछ किया हुआ है। इसके रिगार्डिंग आप प्रोजेक्ट देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है वहां देख सकते हो। बाकी अगर आपको कुछ इसके रिगार्डिंग पूछना है तो आप पूछ सकते हो। अब दोस्तों आपको रिक्वायर्ड के चाहिए एडमिशन किस तरह से लेनी है एंड में वो जान लेते हैं। एडमिशन के लिए आपको एक तो 10th का सर्टिफिकेट चाहिए, एक तो आपका प्लस टू का ठीक है मार्क्स सर्टिफिकेट चाहिए। अब देखिए आप सोचेंगे कि भाई हमारा रिजल्ट तो निकला नहीं तो अब हम 12th का सर्टिफिकेट कैसे अपलोड करेंगे वहां पर। दोस्तों इसमें आपको वहां पर ऑप्शन आएगा अपियरिंग का ठीक है, 12th अपियरिंग का ऑप्शन आएगा, वहां पर क्लिक करिए 12th अपियरिंग, आप जो है तो वहां पर फिर भी अप्लाई कर सकते हो। करेक्टर सर्टिफिकेट एचपी बोनाफाइड ठीक है, एंड मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट अगर आप नॉर्मल के लिए करना चाहते हो ठीक है, अगर आप फाइनेंस सेल्फ फाइनेंशियल सीट के लिए करना चाहते हो तब आपका एचपी बोनाफाइड नहीं लगेगा। बाकी मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट ठीक है, गैप पीरियड सर्टिफिकेट आपका रहता है। अब गैप पीरियड सर्टिफिकेट क्या होता है दोस्तों, एफिडेविट क्या होता है ये जान लीजिए, इसमें इंपॉर्टेंट है। एफिडेविट क्या होता है दोस्तों, गैप पीरियड सर्टिफिकेट का मतलब है कि अगर मान लीजिए आपने 12th के बाद कुछ अलग कोर्स किया है या आपने 2-3 साल पढ़ाई नहीं की है फिर जाके आप अप्लाई करना चाहते हो, तो इस दौरान आपने क्या किया उसके लिए आपको बकायदा तहसील में जाकर अपनी ठीक है वहां पर जाकर आपको क्या करना पड़ेगा, एक एफिडेविट बनाना पड़ेगा, वो आपका तहसीलदार जो होगा वो साइन करेंगे और उसके बाद वो एफिडेविट भी आपको इसके साथ अटैच करना पड़ेगा कि जो गैप पड़ा है आपका क्यों पड़ा है। रूरल एरिया सर्टिफिकेट आपका लगेगा, एससी एसटी ओबीसी आपका सर्टिफिकेट है, अगर कोई आपका आईआरडीपी बीपीएल सर्टिफिकेट है आपका, कोई प्रूफ ऑफ वर्ड्स ऑफ सर्विस सर्विंग ठीक है दोस्तों, इस तरह के अगर कोई भी सर्टिफिकेट आपका वो सब कुछ आप इसके लगा दीजिए। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स आपको पता ही है। बाकी आपको जब एडमिशन के लिए आप अप्लाई करोगे अपने मोबाइल से अप्लाई कर सकते हो दोस्तों, तो ये सारी प्रोसेस जो रहेगी दोस्तों। इसके रिलेटेड अगर कोई और प्रोसेस रहती है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। बाकी इसके रिलेटेड दोस्तों आपके लिए मैं सिलेबस और पैटर्न की वीडियो भी बनाऊंगा, बाकी क्वेश्चन पेपर अगर मुझे मिलते हैं तो मैं उसकी वीडियोस भी अपलोड करूंगा, बाकी जितना हो सके आपकी हेल्प करूंगा। और दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।